वर्धा पुलिस की स्थानीय गुनाह शाखा की टीम ने 48 घंटे के भीतर चोरी के साथ मोटरसाइकिल चोरी के मामले का पर्दाफाश किस प्रकार किया, देखते इस खबर में। वर्धा पुलिस की स्थानीय गुनाह शाखा ने मात्र 48 घंटों के भीतर हाईवे पर जबरदस्ती चोरी के मामले के साथ मोटरसाइकिल चोरी के मामले का पर्दाफाश किया। वर्धा जिला पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31 जुलाई से 1 अगस्त के बीच रात्रि के दरमियान सेलू से वर्धा रोड के किनारे पर खड़े एक ट्रक ड्राइवर से जबरदस्ती नगद रुपए तथा मोबाइल छीनने की रिपोर्ट सेलू में दर्ज की गई और इस मामले की समांतर जाँच स्थानीय गुनाह शाखा वर्धा भी कर रही थी। स्थानीय गुनाह शाखा वर्धा ने गुप्त जानकारी के आधार पर 3 आरोपियों को धर दबोचा, जिसमें शाहरुख उर्फ साहिल उम्र शेख रफी उम्र 19 वर्ष पीएल नगर हैदराबाद निवासी तथा उसके सहयोगी संजीव उर्फ पाटिल, रामू शिंदे उम्र 20 वर्ष रेकी सेलू निवासी तथा नेमेरी राजू पवार उर्फ रेड्डी उम्र 20 वर्ष दहेगांव रेलवे निवासी को कब्जे में लिया और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 11 मोबाइल, 2 सीजर कैंची, 1 चाकू और 15 रुपए नकदी और साथ ही में उनकी झोपड़ियों के बगल में संदेहास्पद स्थिति में रखे गए 6 मोटरसाइकिल, ऐसा कुल मिलाकर 1,80,650 रुपए का माल जब्त किया गया और इन आरोपियों की ओर से पुलिस स्टेशन सेलू में जबरदस्ती चोरी का मामला, साथ ही पुलिस स्टेशन वर्धा शहर तथा पुलिस स्टेशन सावंगी में चोरी का कुल 9 मामला, साथ ही पुलिस स्टेशन बुट्टी बुरी में चोरी का 1 मामला, ऐसा कुल 10 मामलों का पर्दाफाश किया गया और ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बसवराज तेली, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक नीलेश ब्राह्मण ने स्थानीय गुनाह शाखा वर्धा के निर्देशानुसार सहायक पुलिस निरीक्षक महेंद्र इंगड़े, पुलिस उप निरीक्षक आशीष मोरखड़े के साथ टीम के अन्य सदस्यों ने अंजाम दिया। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि इकबाल शेख की रिपोर्ट।